जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस दिशा में कहाँ पर जूते चप्पल आपको उतारने चाहिए कि जिसके वजह से आपके घर में यदि किसी भी तरह का कोई भी संकट है तो वो चला जाएगा और आपका घर हमेशा धन वैभव से छलकता रहेगा। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर इतने प्राचीनतम ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, इतनी सारी विद्याएं हैं कि जिसमें इतने सारे ज्ञान और गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं कि जिसको यदि मनुष्य इस्तेमाल करता है तो वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकता है। तो यदि आप भी ऐसे ही ज्ञान की बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमारी चैनल में इसी तरह की जानकारियां आपको बताते रहते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताता हूं ऐसी जानकारी कि जिसको जानने से आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति आज के जमाने में जूता चप्पल पहनता है और घर में भी कई लोग तो जूते चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, कभी कोई यहां कभी वहां, ऐसे हर जगह जगह पर लोग जूते चप्पल उतारते रहते हैं और इससे घर में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और किस दिशा में और कहां पर यदि आप चप्पल उतारते हैं तो आपके घर से हमेशा के लिए जो भी संकट है वो चला जाएगा और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में जूते या चप्पल नहीं उतारने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा जो है वो देवताओं की दिशा है। अगर ऐसी दिशा में आप जूते या चप्पल उतारते हैं या घर में पहनकर घूमते हैं तो देवता रुष्ट होते हैं और देवों के रुष्ट होने से आपके घर में काफी संकट आ सकते हैं। तो कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में जूते या चप्पल न उतारें। इस दिशा में वास्तु पुरुष का सिर भी होता है, तो कभी भी इस दिशा में जूते या चप्पल नहीं उतारने चाहिए। घर की पूर्व दिशा में भी कभी भी जूते या चप्पल नहीं उतारने चाहिए या पहनकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि घर की जो पूर्व दिशा है वो सूर्य नारायण की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में यदि आप जूते या चप्पल उतारते हैं तो यहां से घर पर आने वाली सूर्य की किरणें दूषित होकर के आती हैं, नेगेटिव होकर के आती हैं और आपके घर में आपके घर के सभी लोगों पर इसका काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। और जब घर के लोगों के मन, मस्तिष्क और शरीर सही नहीं होंगे तो उनका कामकाज में कभी भी मन नहीं लगेगा और वो प्रगति नहीं कर पाएंगे और ऐसा घर हमेशा दुख और दरिद्रता के साथ साथ अपमान झेलता हुआ आगे बढ़ता है। घर की उत्तर दिशा में यहाँ पर भी कभी भी जूते या चप्पल नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि ये कुबेर देवता की दिशा मानी जाती है जो धन के देवता हैं। यदि आप यहाँ पर जूते या चप्पल उतारते हैं या पहनकर घूमते हैं तो जो कुबेर देव हैं, जो धन के देव हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं और आपके घर में कभी भी धन नहीं आता है, आप हमेशा धन के अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। घर का जो मुख्य भाग है, मध्य भाग है, उसको ब्रह्म भाग्य कहा जाता है, उसको ब्रह्म भाग कहा जाता है। घर की जो कोई भी ऊर्जा है वो वहीं से निकलती है, घर की ऊर्जा का मुख्य स्थान वही है। तो ऐसे स्थान पर कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना घूमें ना उतारें, क्योंकि यहां से पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी जाएगी और संपूर्ण घर में जब आपके नेगेटिव एनर्जी फैल जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, तो फिर आप किसी भी काम में सकारात्मक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे और जब आप सकारात्मक रूप से किसी भी कार्य में नहीं जुड़ पाएंगे तो आपका हर काम नेगेटिव हो जाएगा, आपको हर काम में नाकामी का सामना देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं हासिल होगी। तो अब मैं बताता हूं आपको कि किस दिशा में जूते या चप्पल उतारने चाहिए। तो दोस्तों, घर की जो पश्चिम दिशा होती है वहां पर जूते या चप्पल उतारने चाहिए। इस दिशा को शनिदेव की दिशा माना गया है
और जो शनिदेव हैं वो पैरों के कारक ग्रह भी माने गए हैं। तो यदि यहां पर आप जूते या चप्पल उतारते हैं तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी का संचार होता रहेगा, शनिदेव भी आप पर प्रसन्न रहेंगे और ये सारा ही होने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ती है, क्योंकि आपने संपूर्ण घर से नेगेटिव एनर्जी को लेकर के जहां उसकी उचित दिशा थी वहां पर रख दिया। अब आपके घर में आप जो कोई भी काम सोचेंगे हर वो काम में आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।